mponline.gov.in या https जीओवी पर क्लियर रहेगा ये ऑफिशियल वेबसाइट आपको जैसे ही वीडियो चैनल पे अवेलेबल होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे नेक्स्ट आता है पोस्ट क्या क्या है पहला पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट या रेवेन्यू कलेक्टर का टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर छे रखे गए हैं छे रखे गए हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम ट्वेल्थ होना चाहिए इंग्लिश हिंदी टाइपिंग आना चाहिए ट्वेंटी फाइव वर्ड पर मिनट हिंदी में और थर्टी वर्ड पर मिनट इंग्लिश में साथ ही साथ ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होना चाहिए डोएक् सोसाइटी से और आपकी सैलरी जो रहेगी इनिशियली बावन से बीस हजार दो सौ का ग्रेड पे 2000 लेवल थ्री का लेवल थ्री के पे स्केल में हम अगर बात करें पच्चीस हजार पांच सौ से लेकर इक्यासी हजार इक्यासी हजार तीन सौ तक का पे स्केल होगा नेक्स्ट आता है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए बैचलर डिग्री साथ ही साथ टेट एस्टेट टीई या सीटेट आपका प्राइमरी लेवल क्लियर होना चाहिए साथ ही साथ डीएलएड डीएलएड बीटीसी बेसिक टीचर ट्रेनिंग की अगर हम बात करें इसके अलावा डीएड टू ईर्स का डिप्लोमा या स्पेशल ड्यूरेशन बीटीसी बीटीसी उर्दू में या कोई भी बीएड एग्जाम अगर आप पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट फाइव रखेंगे तिरानवे सौ से लेकर के चौतीस हजार आठ सौ तक का पे स्केल रहेगा इनिशियल सैलरी यहाँ पे अगर आप देखेंगे बयालीस का ग्रेड पे है लेवल सिक्स का पे स्केल होगा तो लेवल सिक्स में जो आपका रहेगा वो आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी टोटल आपको बत्तीस से इनिशियल सैलरी स्टार्ट होगा ठीक है नेक्स्ट आता है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए एक पोस्ट रखा गया है ओबीसी के लिए रिजर्व है मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पे टेंथ होना चाहिए टेंथ के बाद ट्वेल्थ ट्वेल्थ में आपका डिप्लोमा यानी टेन प्लस डिप्लोमा या ट्वेल्थ प्लस डिप्लोमा यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं क्लियर रहेगा अगेन आपका पे स्केल तिरानवे से चौंतीस हजार आठ सौ तक का पे स्केल होगा बयालीस सौ की ग्रेड पे रहेगी क्लियर है नेक्स्ट आता है डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एज लिमिट एज लिमिट की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है थर्टीन ऑफ जनवरी से लास्ट डेट रखा गया है इसका ट्वेल्थ ऑफ फरवरी ध्यान रखेंगे बारह फरवरी इसका लास्ट डेट रखा गया है अप्लीकेशन फी अगर आप देखेंगे तो जितने भी जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स हैं इन सभी को एट हंड्रेड रुपीज पे करना है ओबीसी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अगर नहीं है तो उनको 500 पे करना है एस सी एस टी अगर डिपार्टमेंटल नहीं है तो उनको 300 हंड्रेड के लिए यहां पे कोई भी चार्ज नहीं लगेगा नेक्स्ट आता है जनरल के लिए कितना लगेगा तो जनरल को यहां पे थाउजेंड रुपीज देना होगा क्लियर रहेगा एक्स सर्विस और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए जनरल ओबीसी एस ठीक है इनको आठ पे करना है पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए यहां पर कोई भी फी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है इसके अलावा एमपी ऑनलाइन पोर्टल चार्ज 170 प्लस 18 परसेंट का जीएसटी अलग से आपको पे करना होगा क्लियर रहेगा तो बेसिक जो है यहां पर आप ध्यान रखेंगे अलाहाबाद कंटोनमेंट कंटोनमेंट बोर्ड का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में आपको बेसिक चीजें याद रखी हैं इंपॉर्टेंट डेट्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है तो प्राइमरी टीचर के लिए असिस्टेंट टीचर के लिए सहायक शिक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्लियर रहेगा जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पर डिप्लोमा वाले भी इलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं ओके okay, तो ये था आपका अलाहाबाद कंटोनमेंट बोर्ड का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का, का अपडेट बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट नि, और नए ने अपडेट में बने रहिए हमारे चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें थैंक यू सो मच